हेलो फ्रेंड्स, आम आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं किस तरह से ETF सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ETF से किस तरह से बिल्डिंग के एनालिसिस करते हैं। ETF को ओपन करने से पहले मैं आपको ETF के बारे में बता देता हूँ। ETF हाई रेज बिल्डिंग्स की डिज़ाइन करता है, हाई रेज बिल्डिंग को बहुत ईजिली तरीके से डिज़ाइन कर देता है। ये CSI कंपनी का सॉफ्टवेयर। सो चलो विल गो एंड स्टार्ट दी ETF सॉफ्टवेयर। कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिगनिंग से देखेंगे और एंड तक देखेंगे। सो दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो फॉर ETFs। Suppose when you open this one, see there is file, just click on file and then new model। जैसे new model करेंगे तो आपके सामने एक टैब आएगा, जिस टैब पर आपको फिल करना पड़ेगा। ये देखिए आ गया model intelligence करके एक टैब आ गया। इस टैब में आपको use build in settings पर क्लिक करना है, use build in settings पर क्लिक करना है। और यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट, अब आपके डिस्प्ले की यूनिट क्या रखेंगे आप, वो आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे कि मैंने सेट कर रखा है, मैं डेली यूज़ करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे मैट्रिक SI करके यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे स्टील सेक्शन डाटाबेस, स्टील सेक्शन डाटाबेस के लिए आप यहाँ पे इंडियन यूज़ करेंगे। स्टील डिजाइन कोड, डिजाइन कोड के लिए IS 800, आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता है तो भी आप जान लीजिए IS 800। एंड देन कंक्रीट डिजाइन, फॉर कंक्रीट डिजाइन वी यूज़ IS 456। देन जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड लेट्स वेट। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखिए न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट आ गया। क्विक टेम्पलेट में फास्ट जल्दी से हम लोग एक टेम्पलेट बना सकते हैं, जिसमें अगर देखें तो आप लिखा हो नंबर ऑफ ग्रिड इन एक्स डायरेक्शन, मींस एक्स डायरेक्शन में हम लोग कितने ग्रिड बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपको 4 कॉलम देने हैं तो यू कैन पुट हियर 4, इफ़ यू वॉन्ट 5 कॉलम्स यू कैन पुट 5। सपोज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओनली फॉर 3, सो जस्ट क्लिक 3। नंबर ऑफ ग्रिड इन वाई डायरेक्शंस, वाई डायरेक्शंस मीन्स सेकेंड डायरेक्शंस। तो सेकेंड डायरेक्शन में अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो चाहिए, अगर आपको अभी जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सो पहली क्लास है, सो आई एम नॉट गोइंग टू क्लिक हियर एनी डायरेक्शन, सो जस्ट क्लिक 1, क्योंकि 1 तो रहेगा क्योंकि सिंगल है वो, तो 1 रहेगा। अगर आपको वाई डायरेक्शन में चाहिए तो आप यहाँ पर डिस्टेंस डाल दीजिए कितनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा स्पेसिंग्स ऑफ ग्रिड इन एक्स डायरेक्शंस, मीन्स जो एक्स में हमारा डायरेक्शंस है, जो 3 कॉलम्स हैं, इनके बीच में स्पेसिंग क्या रखना चाहते हो। तो मैंने बोला इनके बीच में जो गैपिंग्स रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ 5 का, और 5 मीटर्स की गैपिंग्स हो गया। इसके बाद लिखा हुआ स्पेसिंग्स ऑफ ग्रिड इन वाई डायरेक्शंस, मीन्स वाई डायरेक्शन में जहाँ पर एक कॉलम है, अब एक कॉलम है तो उनके बीच की स्पेसिंग्स का कोई रीज़न नहीं है। सो आप इसे एडिट करो या ना करो, जैसे मैंने कर दिया 1 ओके। एंड नाउ सी इफ़ यू सी हियर स्टोरी डायमेंशंस, स्टोरी डायमेंशंस मीन्स स्टोरी कितने फ्लोर की बनाना चाहते होते हैं। हम देखिए कह रही है नंबर ऑफ स्टोरीज, यहाँ पर लिखा हुआ 4, सो हम 4 स्टोरी की बिल्डिंग बनाएं। इफ़ यू वांट टू एडिट दिस, सपोज यू वांट 3, तो 3 स्टोरी का बनेगा। टिपिकल स्टोरी हाइट मीन्स फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर, उसकी क्या हाइट रखोगे। और बॉटम स्टोरी हाइट मीन्स पार्किंग एरिया जो होती है आपका, जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो, जहाँ पे पार्किंग एरियाज होते हैं वहाँ पे कहीं कहीं पे हम लोग 2.5 पे डिज़ाइन करते हैं, तो 2.5 पे डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 2.5 मीटर ले लेंगे। अदरवाइज अगर 3 मीटर पे करें तो 3 मीटर यहाँ पे करेंगे। ये ग्रिड हमारी जो है, ये ग्रिड पहले से बनी हुई ग्रिड है, जस्ट हमने एडिट किया। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से कस्टम ग्रिड स्पेसिंग्स और कस्टम स्टोरी डाटा को चलाते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको क्लिक करके ओके करेंगे। और जैसे ओके करेंगे तो हमारे पास आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स बन के, सॉरी ग्रिड्स बन के आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 3 ले रहे हैं, 3, तो 1, 2 एंड 3 3 कॉलम्स के लिए ग्रिड्स आ गए। सो आप देखेंगे तो इनके बीच में जो गैपिंग्स है वो 5 मीटर है, जैसा मैंने वहाँ पे पुट किया था 5 मीटर्स। और हाँ, आपको ये भी चीज़ें क्लियर करनी है, देखिए ये एक्स डायरेक्शन है एंड दिस वन इज़ योर वाई डायरेक्शन। सो आप कन्फ्यूज मत हो, वाई में हमने 0 रखा है क्योंकि वाई में O1 रखा है क्योंकि वाई में कुछ और नहीं है, केवल एक ही है। ओके, नाउ आफ्टर दिस सेकेंड हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है, गो टू डिफाइन। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन मिलेगा आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज़। जैसे आप मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे और ऐड न्यू मटेरियल करोगे, और ऐड न्यू मटेरियल करते ही यहाँ पे हम लोग तुरंत कंक्रीट को डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे रीजन पे क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करके इंडिया करिए, और मटेरियल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ करके यहाँ पर कंक्रीट कर दिया। स्टैंडर्ड्स यहाँ पे इंडियन कर दिया। एंड ग्रेड, अब किस ग्रेड पे डिजाइन करना चाहते हो, मैक्सिमम हम लोग M25 पे, SSRS पे हम लोग डिजाइन करते हैं M25। सो जस्ट क्लिक ओके। M25 की जो भी स्पेशल पैरामीटर्स हैं लाइक वेट ऑफ कंक्रीट्स, ये देखिए आपको करेक्ट ले लिया इसने, मास पर वॉल्यूम्स ये भी इसने करेक्ट ले लिया, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स आप
M25 रहने, तो M25 और IS कोड का जो डाटा है, मिक्स प्रोपोर्शन का जो डाटा है, वो अपने आप यहाँ पर वो मैनेज कर ले, और जस्ट आप क्लिक कर दिए ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिवर। सो फॉर रिवर अगेन एड न्यू मटेरियल इंडिया, देर इज रिवर एंड देन इंडियंस एन एस वाई एस डी 415, जस्ट क्लिक ओके एंड देन ओके ओके। सो अभी हमने क्या किया, किस तरह से मटेरियल को डिफाइन करेंगे वो देखा, एंड अब नेक्स्ट स्टेप्स मींस ईटैब्स खोलते ही पहला स्टेप्स हमारा क्या था, मटेरियल डिफाइन करना। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज, मींस स्टेप टू, एंड देयर इज अ फ्रेम सेक्शन, जस्ट क्लिक ऑन फ्रेम सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे कुछ फ्रेम पहले से पड़े हुए हैं, अगर इनको मॉडिफाई करना चाहो तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू ऐड न्यू मटेरियल्स यू कैन ऐड फ्रॉम हियर। आज हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं हम इसी को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे कंक्रीट बीम है, तो यहाँ पे कंक्रीट बीम लिया और ये लेके हम इसको मॉडिफाई करेंगे। जैसे ही मॉडिफाई पर क्लिक करते हैं तो तुरंत अगर आप इसको रीनेम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसी नेम को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मटेरियल्स लिखा हुआ, हम यहाँ पर क्लिक किया, मटेरियल हमने दे दिया M25, और ये हमारा कंक्रीट रेक्टेंगुलर है, और इसका जो साइज़ देना चाहें ईटैब्स के अंदर बहुत ही अच्छा है। अब इसको डिजाइन करेंगे तो बताएगा फेल है कि पास है, अगर फेल है तो क्या किया जाए कि पास कर देंगे, बहुत इजीली इजी तरीके से हम लोग पास कर सकते हैं बिल्डिंग्स को। सो हमने इसका जो डेप्थ दिया वो रखा हमने 230, एंड जो विड्थ रखा वो भी हमने रखा 230, जस्ट हमने 230x230 का रखा। इसके बाद यहाँ पर रेनफोर्समेंट पर क्लिक करना मत भूलिए, रेनफोर्समेंट पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, दिस इज योर बीम एंड हियर लॉन्गिट्यूडनल बार जो है वो हमारा कौन सा है, HYSD 415, एंड दिस वन इज योर HYSD 415, और यहाँ देखिए लिखा कवर टू लॉन्गिट्यूडनल रीबार ग्रुप। सो यहाँ पर हम लोग देखिए टॉप बार हमारा कितना दिया हुआ है, कवर है, कवर टू, तो कवर हम लोग बीम के लिए कितना रखते हैं 25। सो जस्ट क्लिक किया 25 एंड देन क्लिक किया ऑल्सो 25। नाउ ओके आफ्टर दिस ओके, नाउ सेम प्रोसीजर फॉर कॉलम ऑल्सो, कॉलम्स मॉडिफाई एंड देर इज M25 एंड जस्ट पुट हियर योर वैल्यू, सपोज योर वैल्यू इज 4, नो आई एम गोइंग टू टेक द कॉलम्स इज 350 ओनली, सो 350x350, जस्ट क्लिक हियर एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट गो टू मॉडिफाई एंड दिस इज कॉलम लॉन्गिट्यूडनल बार HYSD एंड कवर इज क्लियर कवर इज 40, दैट्स राइट। सो जस्ट क्लिक ओके ओके। नाउ देन अभी क्या करना है, हमने मटेरियल डिफाइन कर दिया और हमने डिफाइन कर दिया कि कितने का कॉलम कितने का बीम रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप्स हमारा क्या बनता है, यहाँ पर अगर आप आएंगे देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हो, कुछ भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देखेंगे तो हम लिखा हुआ क्विक ड्रॉ बीम, सॉरी क्विक ड्रॉ कॉलम, जस्ट क्लिक करिए यहाँ पे, और यहाँ पर क्लिक करते ही आपको प्रॉपर्टी के सामने क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कंक्रीट कॉलम्स, जब हमने कंक्रीट कॉलम यहाँ से चूज़ किया, और यहाँ पर आपको एक स्टेप्स मिलेगा जिसका नाम है वन स्टोरी, मीन्स केवल एक स्टोरी पे एक कॉलम लगने वाला है, बट इफ़ यू वांट कि सब पे लगे तो सिमिलर स्टोरीज कीजिए। मैं सिमिलर स्टोरी और यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऑल स्टोरी, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा इन ब्रीफ। सो जस्ट यहाँ पर आप सिमिलर स्टोरी करके अभी आप देख सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो भी इसको सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिगनिंग से सिखा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज हम लोग यहाँ पे बीम्स बनाएंगे, ठीक है। बीम्स के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करिए ड्रॉ बीम्स। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, इससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिलते हैं तो और भी ज़्यादा वर्क करने में अच्छा लगता है, सो दैट मैं सारे के सारे टॉपिक्स पर वीडियोज़ तैयार कर सकूँ, नॉट ओनली ईटैब्स सैप स्टैट प्रो 3ds max एंड मच मोर सॉफ्टवेयर लाइक रैबिट ऑटो कैट एंड सैप एंड योर आरजी कैट एंड ऑल। सी नॉट डन, आपने क्या कर दिया, इसे मटेरियल डिफाइन कर दिया। अब हमको देखना है कि मटेरियल लगा है कि नहीं लगा है, इन दैट केस जस्ट गो टू व्यू एंड देर इज सेट डिस्प्ले ऑप्शन, और यहाँ पर जब देखेंगे मटेरियल देखने के लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्लिक करेंगे और सेक्शन प्रॉपर्टीज करेंगे, एक्सट्रूड फ्रेम एक्सट्रूड सेल्स अप्लाई, जैसे अप्लाई करके ओके किया, सी आपको यहाँ पे विजुअल हो गया प्रॉपर कि ये बीम्स, ये हमारे कॉलम्स है और ये हमारे बीम्स हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसा भी लग रहा है प्लीज़ फीडबैक दीजिए, और भी कौन से टॉपिक्स पे आपको जानना है आप कमेंट करिए, तो सो दैट मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियोज़ तैयार कर सकूँ।
एंड देन जस्ट गो टू व्यू अगेन इफ यू वांट टू क्लोज लाइक आप एक्सट्रूड सेल एक्सट्रूड फ्रेम को बंद करना चाहते हो कर क्लोज दिस वन। ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप इज लोड। सो लोड के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर हम असाइन पे जाएंगे और असाइन पे जाके फ्रेम लोड पे क्लिक करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नाम का लोड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड पे क्लिक करना है और डिस्ट्रीब्यूटेड पे क्लिक करके यहाँ पर आपको बताना है अपना लोड। स्टैट प्रो जिसने भी चलाया होगा वहाँ पे स्टैट प्रो में नेगेटिव वैल्यू डालते थे, बट यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। मैंने 2 kN का इनफॉर्म लोड लिया, यहाँ पे 2 kN का इनफॉर्म लोड एज्यूम किया और ऐड करके सॉरी लिया एंड देन सेलेक्ट ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। सो हमने क्या किया, सबको सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया, नॉर्मल हमने 2 kN का लोड डाल दिया इसमें। चलिए देखते हैं इसको एनालिसिस कैसे करते हैं। यहाँ एनालाइज पे जाएंगे और यहाँ पे चेक मॉडल पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल और ओके करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको एनालाइज कर लिए, हमने देखा मॉडल हैज़ बीन चेक, नो वार्निंग वर जनरेटेड, सो जस्ट क्लोज दिस वन, मेरे सब कुछ सही है। चलिए इसको एनालिसिस करके देखते हैं। तो एनालाइज देन रन एनालिसिस एंड आफ्टर रन एनालिसिस जस्ट गिव द फाइल नेम, सपोज माई फाइल नेम इज GT एंड देन जस्ट सेव। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन दिखाने लगा। इफ़ यू वांट टू सी द ग्राफ्स तो आप यहाँ पर क्लिक करिए डिस्प्ले फ्रेम, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको अगर मोमेंट देखना है जस्ट अप्लाई एंड इफ़ यू वांट मोमेंट वैल्यूज आल्सो जस्ट क्लिक हियर एंड देन अप्लाई। सी 3.6 मोमेंट वैल्यूज। इफ़ यू वांट टू चेक द शेयर फोर्स जस्ट क्लिक ऑन शेयर। देखिए जो हमारा ETFs है, ETFs में क्या है कि आप एक एक पॉइंट की वैल्यूज निकाल सकते हो। लाइक ये देखिए प्रॉपर वैल्यू, सपोज यू वांट टू नो द शेयर फोर्स हियर, सो दिस हियर राइट क्लिक एंड सी व्हाट एवर डिस्टेंस, सपोज यू वांट टू सी हियर ओनली सी द वैल्यूज। इफ यू वांट टू सी हियर ओनली यू कैन सी द वैल्यू, मीन्स किसी भी पॉइंट पे आप अपने शेयर फोर्स को अपने बेंडिंग मोमेंट को चेक कर सकते हो। नाउ होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इस तरह से हम लोग इसमें प्रोसेस करते हैं। हमने एनालिसिस तक देखा है, आगे हम लोग के वीडियोस आएंगे जिसमें हम लोग डिजाइन भी देखेंगे, बट अभी आप इतने को ही बार बार प्रैक्टिस करिए और जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करिए जिससे मैं आगे भी अच्छे से वीडियोस आपके लिए ETFs का ला सकूँ। अगर आपने अच्छा किया तो मैं ज़रूर इसको फाइनल लेवल तक लेके जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड धन्यवाद। ठीक है ना सर।